नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के 31 नगर निकायों की मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। भागलपुर में PFI व स्लीपर सेल की तलाश में जांच एजेंसियां अलर्ट पर। शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होगा एप्लीकेशन फॉर्म। बिहार की राजधानी में बन रहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जानिए किसके सर सजी है IPL 2023 में ऑरेंज और पर्पल कैप। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 31 नगर निकायों की मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। राज्य में 25 मई को जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3,522 पदों के लिए होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर बीते दिन यानी कि बुधवार को राज्य के 31 नगर निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। अब किसी भी समय आयोग के द्वारा निर्वाचन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य के जिन नगर निकायों की मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है उनमें 24 नगर निकायों का तीसरा चरण में चुनाव करवाना जाना है। वहीं बचे 7 नगर निकाय के जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल जून में समाप्त होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान की तिथि 25 मई निर्धारित की गई है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं मतगणना का कार्य 27 मई को किया जाएगा। मालूम हो कि आयोग के अनुसार मतगणना प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराए जाएंगे। जातीय जनगणना में स्वतंत्र कोड देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिहार में एक तरफ जहां जाति जनगणना करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोहार समाज के लोगों के द्वारा उनके समाज को कमार उपजाति में जोड़ दिए जाने के कारण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौरी का है, जहां लोहार समाज के द्वारा बीते दिन सड़क पर उतरकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। मालूम हो कि लोहार समाज की मांग है कि उन्हें भी एक स्वतंत्र कोड दिया जाए। उनका कहना है कि जिन जाति में उनको जोड़ा गया है, यानी कि कमार जाति पश्चिम बंगाल की उपजाति है, ऐसे में हम सबको कमार नहीं समझ का स्वतंत्र कोड दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ऐसा किया जाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में प्रमाण पत्र बनवाने में भी परेशानी आएगी। सीएम नीतीश ने अग्निशमन भवनों का उद्घाटन और पुलिस भवनों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज यानी कि 4 मई को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की ओर से पटना के पटेल गोलंबर स्थित विशेष सुरक्षा दल केंद्र के पास 342.31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए नवनिर्मित विशेष सुरक्षा बल भवन, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का भवन और 74 थाना भवन सहित कुल 174 पुलिस गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन भवनों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 684.17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 108 थाना भवन सहित कुल 150 पुलिस भवनों का शिलान्यास भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह उद्घाटन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम गृह विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री अशोक चौधरी, DGP RS भट्टी समेत और भी अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गो फर्स्ट के 3 जोड़ी विमान रद्द। गो फर्स्ट कंपनी की 3 जोड़ी विमान जो कि पटना से आते जाते हैं, उन्हें बीते दिन यानी कि बुधवार से लेकर 5 मई यानी कि कल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन रूटों पर इन 3 जोड़ी विमानों को रद्द किया गया है, उनमें पटना बेंगलुरु, पटना दिल्ली और पटना मुंबई रूट शामिल है। मालूम हो कि इसकी सूचना को यात्रियों तक पहुंचाने को लेकर विमानन कंपनी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बीते दिन पटना एयरपोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड पर इस सूचना को प्रसारित किया गया था। वहीं इन विमानों के रद्द होने से अन्य विमानन कंपनियों पर इन तीनों रूटों की बुकिंग का दबाव बढ़ गया है। हालांकि विमानन कंपनी गो फर्स्ट की ओर से यह दावा किया गया है कि वे यात्रियों को उनके रिफंड लौटा देंगे। शादी के पवित्र बंधन में बंधे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और आयुषी। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद बीते दिन यानी कि 3 मई को आयुषी सिंह के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं। बता दें कि इनकी शादी देहरादून के कैनाल रोड स्थित लग्जरिया फार्म बाय सोलिटेयर में हुई है। वहीं शादी की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी सिंह शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। बता दें कि चेतन आनंद ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी है, तो वहीं आयुषी सिंह मैरून रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं। मालूम हो कि इस मौके पर लगभग 300 लोग मौजूद रहे, जिनमें उनके परिवार वाले और कई बड़े राजनेताओं के अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान चेतन आनंद और आयुषी ने खूब डांस भी किया। वहीं शादी के वेन्यू पर सुरक्षा के भी सभी कड़े इंतजाम किए गए थे।
भागलपुर में PFI व स्लिपर सेल की तलाश में जांच एजेंसियां अलर्ट पर। पिछले कुछ समय से पहले ही NIA के द्वारा बिहार के कई जिलों में रेड की गई थी, वहीं अब PFI और स्लिपर सेल की तलाश को लेकर भागलपुर में भी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर में NIA और CBI की रेड से पहले PFI और स्लिपर सेल को लेकर जाँच की गई थी। वहीं विशेष जाँच एजेंसियां द्वारा इस मामले में भागलपुर सहित नौगछिया में की गई जाँच में PFI के किसी भी एक्टिव सेल के होने की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार कुछ संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर एक्टिव सेल के साथ साथ उन लोगों को भी घेरे में रखा गया है जो ऐसे संगठनों को फंडिंग करते हैं। वहीं से जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत उच्च स्तर तक रिपोर्ट तैयार कर पहुंचाई जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होगा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप भी शिक्षक की दक्षता परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 4 मई से शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने वाली है जिसे भरने की अंतिम तारीख 9 मई तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक शिक्षक यह एप्लीकेशन फॉर्म SCERT के वेबसाइट scert.bihar.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कराने के बाद 9 मई तक DEO कार्यालय में जमा करना होगा। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 जून को जारी किए जाएंगे। वहीं यह परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी और फिर औपबंधिक उत्तर कुंजिका का प्रकाशन 25 जून को किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक निर्धारित की गई है। बिहार के 90% बच्चों की अब तक नहीं बन पाई है शैक्षणिक कुंडली। स्कूली बच्चों को ट्रैक किया जा सके इसके लिए बिहार के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में पढ़ रहे बच्चों की शैक्षणिक प्रोफाइल यानी कि शैक्षणिक कुंडली तैयार की जा रही है जिसमें बच्चों से जुड़ी सारी जानकारी जैसे उनके नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, जन्म स्थान सहित सभी तरह की निजी और शैक्षणिक जानकारी शामिल होंगी। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार बच्चों की यह जानकारी भारत सरकार के UDISE पोर्टल पर अपलोड रहेगी। बता दें कि फिलहाल इस योजना पर शिक्षा विभाग 2022-23 के शैक्षणिक सत्र वाले बच्चों पर काम कर रहा है जिसके तहत 2.73 करोड़ बच्चों का प्रोफाइल बनाया जा रहा है। लेकिन अब तक केवल 22.44 लाख बच्चों के शैक्षणिक प्रोफाइल बनाए जा सके हैं यानी कि 100% बच्चों में से 9.91% बच्चों के प्रोफाइल बनाए गए हैं और 90% बच्चे के नहीं बनाए गए हैं। पटना रांची के बीच इन 5 स्टेशनों पर रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना से रांची के बीच 18 AC बोगी वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि यह ट्रेन पटना से रांची के बीच सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 5 गया स्टेशन, हजारीबाग रोड सहित 3 और जगहों पर रुकने वाली है। मालूम हो कि इस ट्रेन के परिचालन के लिए राजेंद्र नगर जंक्शन पर तैयारी की जा रही है। इसके लिए जंक्शन के कोचिंग कॉम्प्लेक्स के पीट नंबर 5 में ओवरहेड वायर लगाने का काम किया जा रहा है जिसे बिजली से जोड़ा जाएगा। बता दें कि पीट नंबर 5 पर ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी और उसका मेंटेनेंस का कार्य भी होगा। वहीं मेंटेनेंस के कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी गई है और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देने की भी शुरुआत कर दी गई है। मालूम हो कि इस ट्रेन का परिचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। इसके लिए ट्रैक को दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के प्रोग्राम में मची भगदड़। बीते दिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिहार के आड़ा पहुंचे जहां वह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह मां भगवती प्राण महोत्सव के पूर्णाहुति में शामिल हुए। हालांकि जैसे ही पवन सिंह कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस जाने के लिए हेलीपैड के पास पहुंचे, धीरे धीरे उन्हें देखने वालों की भीड़ भारी संख्या में वहां मौजूद हो गई। बता दें कि भीड़ इतनी थी कि उन्हें देखने के लिए यह बेकाबू हो गई जिस वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने के हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम में पवन सिंह ने अपनी गायकी से वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। लोगों के द्वारा भी उनके गानों का भरपूर लुत्फ उठाया गया। बिहार की राजधानी में बन रहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब मिलने वाला है। दरअसल पटना जंक्शन की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजना के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा पटना के GPO के पास बकरी बाजार में लगभग 4 एकड़ जमीन में इस G+2 भवन का तैयार किया जा रहा है जिसे 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल तेजी से काम होने की वजह से ग्राउंड फ्लोर अगले माह तक तैयार हो जाएगा। मालूम हो कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण 20 फुट ऊंचा किया जाना है ताकि वहां बसों की पार्किंग आसानी से की जा सके। वहीं ग्राउंड फ्लोर तैयार होने के बाद दूसरा तल्ला को तैयार किया जाएगा जो वर्ष 2024 के जून तक पूरा कर लिया जाएगा। आज से पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय कबड्डी टीम का प्रशिक्षण शिविर।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संकरण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि आज यानी कि 4 मई से लेकर 19 मई तक आगामी एशियन गेम्स प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय कबड्डी टीम को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को अन्य बेहतरीन खिलाड़ियों से कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर के लिए बिहार को चुने जाने के कारण प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संकरण और सचिव वंदना प्रेयसी के द्वारा यहां आने वाले हर खिलाड़ियों और शिक्षकों को तमाम व्यवस्थाएं देने का आश्वासन दिया गया है और साथ ही शुभकामनाएं देते हुए बिहार के भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया गया है। सीएम नीतीश पर भड़के सम्राट चौधरी। इन दिनों बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। बता दें कि एक बार फिर सम्राट चौधरी के द्वारा सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार कौन है। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता देश के लिए लड़ रहे थे तब उनकी पैदाइश नहीं होगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि उनके पिताजी ने 1962 का युद्ध लड़ा, वह देश के योद्धा थे। नीतीश बाबू गलतफहमी में आ गए हैं, उनके पहचानता ही कौन है। नीतीश कुमार का तो जन्म ही हुआ होगा। नीतीश कुमार ने कितनी पार्टियां बदली, कर्पूरी ठाकुर लालू यादव से लेकर जॉर्ज साहब तक कितनों को धोखा दिया। उन्होंने बिहार को लूट रहे हैं और अपना झोला भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करेंगे और बताएंगे कि नीतीश कुमार ने कितनी पार्टियां बदली है और कितनों को धोखा दिया है। जानिए किसके सर सजी है आईपीएल 2023 में ऑरेंज और पर्पल कैप। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में अब तक हुए सभी मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में शामिल खिलाड़ियों की लिस्ट में काफी बदलाव आ गई है। बता दें कि अगर हम ऑरेंज कैप की बात करें तो इस रेस में टॉप 5 बल्लेबाजों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी 466 रनों के साथ सबसे टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर 428 रनों के साथ यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर 414 रनों के साथ डेवॉन कॉनवे, चौथे नंबर पर 364 रनों के साथ विराट कोहली और पांचवें नंबर पर 354 रनों के साथ ऋतुराज गायकवाड़ के नाम शामिल है। वहीं अब अगर बात करें पर्पल कैप के बारे में तो इस रेस में जो टॉप 5 सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर 17 विकेट के साथ मोहम्मद शमी, दूसरे नंबर पर 17 विकेट के साथ ही तुषार तेज पांडे, तीसरे नंबर पर 16 विकेट के साथ अर्शदीप सिंह, चौथे नंबर पर 15 विकेट के साथ पीयूष चावला और पांचवें नंबर पर 15 विकेट के साथ ही मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मुटू रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, के सिन्हा, चंद्रमणि कुमार, अनवर करीम खान, कन्हैया कुमार, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को अपनी ओर से क्या कदम उठाना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।